वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फलसूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए प्रत्येक क्षेत्र विशेष की 12 भावों के साथ जुड़ी हुई चर्चाएं। 28, 29 और 30 अप्रैल को चंद्रमा का प्रभाव यहाँ मंगल के राशि स्थान के साथ में रहने वाला होगा, यानी वृश्चिक राशि स्थान में, जो इनका नीचस्थ राशि स्थान है वहाँ चंद्रमा आगमन करेंगे। केतु की स्थितियाँ बाय डिफॉल्ट अप्रोच में अभी वृश्चिक राशि स्थान में चल रही हैं, तो वहीं राहु सेवंथ हाउस में वक्रगत अवस्थाओं में, हमेशा वक्रगत ही, ये दोनों ही छाया ग्रह चलते हैं, ये चलायमान रहेंगे। तो वहीं पराक्रमी होकर शनिदेव नैसर्गिक आधार पर पराक्रम भाव में ही अपने फलाफल को सम्मुख रखने वाले होंगे, तो वहीं एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस महीने सामने रहेगा। 5 और 6 अप्रैल 2021 की दरमियानी रात से ही देव गुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि आधार से बाहर निकलकर चतुर्थ भाव में, मानसिक सुख के भाव में, द्वितीय केंद्र में प्रवेश कर जाने वाले हो जाएंगे। तो इसी वजह से जब शनिदेव के मूल त्रिकोण में देव गुरु चलायमान होंगे तो अष्टम, कर्म और द्वादश पर इनका पूरा पूरा प्रभाव सम्मुख दृष्टिगोचर होगा। और वहीं आप देखिए कि 16 अप्रैल 2021 तक बुध पंचम भाव में ही रहने वाले, उसके बाद में सिक्स्थ हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ में सूर्यदेव की स्थितियां 14 अप्रैल तक मीन राशि स्थान में, उसके बाद सूर्यदेव षष्ठ भाव में, एक तरह से कर्म भाव के अधिपति सिक्स्थ हाउस में, रोग ऋण और रिपु की स्थितियों के साथ में चलेंगे। तो वहीं शुक्र पहले अपनी उच्चस्थ अवस्थाओं में और उसके बाद 10 अप्रैल 2021 के बाद से ही यहां मंगल के राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। तो वहीं 18 अप्रैल 2021 से उदित अवस्थाओं में भी दैत्य गुरु आ चुके होंगे। राहु की चर्चा हम पहले ही कर चुके, यहां 14 अप्रैल को अंगारक दोष मंगल के साथ में समाप्त होगा और मंगल यहां 14 अप्रैल 2021 से ही शत्रु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। किंतु यहां एक परिवर्तन संयोग भी 16 अप्रैल के बाद से मंगल और बुध का चलायमान रहने वाला होगा। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में कि आपका व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और कामकाजी जीवन के अंदर जो रिफ्लेक्शंस की अप्रोच होती है वो किस तरह से निकल कर आ रही है, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनाकर चलना चाहिए। तो आप देखिएगा कि मंगल की स्थितियां शुरुआती स्तर पर आपको उत्साह से लबरेज करके चलने वाली होगी, तो इसी वजह से यहां पर जो शुरुआती 14 दिन हैं आप अतीव आत्मविश्वास के साथ में चलने वाले होंगे। यहां स्ट्रेटेजी एक ही है कि जो भी निर्णय सामने है उसको पूर्णता के साथ में लेकर चला जाए। कोई भी आपके सामने प्रोफाइल चेंज का ऑफर आता है, आपने उसको स्वीकार किया, नौकरी पेशा जीवन में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बनती है, रिएक्टिव हुए बिना मधुर मुस्कुराहट बनाकर रखी, किसी चेंज की ओर जाना है, यानी कि आपको वो स्थान परिवर्तन एक तरह से भा नहीं रहा है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें किंतु वहां मुस्कुराहट बनाकर रखें। सहज स्वीकारोक्ति की आवश्यकता यहां पर रहेंगी और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो वैसे भी एक पॉजिटिविटी को पूरे तरीके से शुरुआती पखवाड़े में लिए हुए है। उसके बाद जो 14 अप्रैल के बाद का समय है, यहां से आपको अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। यहां व्यक्तित्व के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस निकल कर आने वाला नहीं हो, जो आपने अभी तक अपने कार्यों के साथ में अनुभव प्राप्त किया है वो यहां सिचुएशनल बेस पर आपको थोड़ा सा धोखा दे सकते हैं, उससे संभलिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर जितना अनुशासित आप शुरुआती 14 दिनों में है वहीं से जो दूसरा पखवाड़ा शुरू होगा वहां पर भी उतना ही अनुशासित आप रहने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी तरह के कमिटमेंट की ओर जाते हैं तो वहां पर भी अपनी स्थितियों को स्पष्ट करके चलना आपको चाहिए, अन्यथा थोड़ी सी नकारात्मकता सामने आ सकती है। वहीं द्वितीय भाव आप देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति यानी कि जो धन भाव के अधिपति हैं वो यहां 3-11 का संबंध अब बनाने वाले होंगे, तो जो धनागमन हो रहा है अब वो मानसिक संतुष्टि का आधार आपके सम्मुख रखने वाला होगा। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति यहां पर निकल कर आने वाली हो जाती है, इससे कोई भी इनकार करने वाली गुंजाइश
दूर दूर तक भी सामने नहीं है। ये एक प्रमुख बात है जिसको गौर में लेकर चलने की आवश्यकता। तो वहीं देखिएगा कि जो भूमि संबंधित कोई भी खरीदान या फिर बेचान रुका हुआ था उस और आप बढ़ सकते हैं। पारिवारिक जनों का भरपूर सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। वाणी अपने सार गर्भित स्तर के साथ में चलायमान रहेगी, यानी जो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपके शब्दों के साथ निकल कर आता है वो भी पूरे तरीके से तीव्रता को यहां पर दर्शाता चला जाएगा। मैं आपसे पुनः एक निवेदन करना चाहूंगा कि यहां सामाजिक सरोकारों के अंदर कोई भी खर्चे निकल कर आते हैं उसको भी सहज प्रवृत्ति के साथ में स्वीकार कीजिएगा। धनागमन में ये महीना काफी हद तक बेहतरी के आधार को देने वाला है। तो वहीं जब देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां और कीजिएगा, 3-11 के संबंध के साथ ही साथ में दूसरे आधार पर पंचमेश होकर भी स्वयं से द्वादश हैं, तो इसी वजह से जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस गेन किया है वो वाणी में भी पूरे तरीके से एक पॉजिटिविटी देता चला जाएगा। वहीं थर्ड हाउस, यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी जॉब के साथ में आपका जुड़ाव है, रियल एस्टेट, ऑयल संबंधी किसी भी कंपनी के साथ में आप जुड़े हुए हैं, अपने जॉब की पोजिशंस के साथ में लंबे समय से प्रमोशन अटकी हुई थी वहां पूर्णता आपके सामने आ सकती है। किसी स्थान परिवर्तन को आप मन से चाह रहे थे और लगातार उसके लिए प्रयासरत भी थे, यहां पर अब स्थितियां काफी हद तक स्पष्ट रहेंगी। प्रश्न ये उठता है यहां पर कि मैं अभी की ही बात क्यों कर रहा हूं, शनिदेव लंबे समय से पराक्रम भाव में ही है, किंतु यहां पर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव भी साथ में जुड़ा हुआ था। अब ये नैसर्गिक आधार पर अपने फलाफल को आगे बढ़ाने वाले हो जाएंगे, इस वजह से ऐसी प्रवृत्तियां निकल कर आती है। यात्राओं में यहां पर रिएक्टिव होने से और फ्रस्ट्रेट होने से बचिएगा। आपके सामने कोई ट्रेवल की अप्रोच है, आप उसको टाल देते हैं, जबकि स्थितियां काफी हद तक आपको वहां से पॉजिटिविटी देती हुई नजर आ रही है। सोचते हैं कि कल या परसों चले जाएंगे और वहीं से आया हुआ मौका हाथ से निकल जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों में भी काफी हद तक सावधान रहने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। इस बात को आप रेखांकित करके चलिएगा। भाइयों के साथ संबंधों में अधिकार एक अलग बात है और भाइयों के साथ संबंधों में प्रतिकार बिल्कुल अलग बात है। प्रतिकार से बचना, उनको साथ में लेकर चलना अधिक आवश्यक रहेगा। मित्रों के साथ में भी सहज रहें, उनके साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत आप करना चाहते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इनकम को डेवलप करने के लिए किसी भी पूंजी निवेश की ओर जाना चाहते हैं, 18 अप्रैल के बाद ऐसे निर्णय लेना सार्थकता के साथ में आपके लिए आधार बनाने वाले होंगे। वहीं चतुर्थ भाव, देवगुरु बृहस्पति स्वयं चतुर्थ भाव के साथ में, इसी वजह से माता स्थान के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज आप शुरू करना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। बेस नेटिव प्लेस है, उसके साथ में आगे बढ़ना है जा सकते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में रफ्तार बनी रहेगी। बुध और बृहस्पति के प्रभाव के साथ में हम बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं, वहां पर भी बृहस्पति का ही प्रभाव आपके लिए काफी हद तक सार्थक। और इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करके देखूं तो आप देखिएगा कि 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक का समय ऐसे क्षेत्रों में वृहद विकास की संभावनाओं को आपके सामने रखेगा। वहीं माता स्थान के साथ में जो भी आपने भूमि संबंधित निर्णय लेने हैं उस ओर भी आप गमनशील हो सकते हैं। आपसे पुनः निवेदन है कि सामाजिक प्रतिबद्धताओं के साथ में चलें, इस महीने ख्याति मिलने की पूरी पूरी उम्मीद आपके लिए बनी हुई है। वहीं पंचम भाव, सबसे प्रमुख तौर के ऊपर जो आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र है, गौर कीजिएगा, 1 से 10 अप्रैल तक शुक्र का प्रभाव अपने उच्च राशि स्थान के साथ में रहने वाला है, बृहस्पति के राशि स्थान के साथ में। भले ही बुध नीचस्थ स्थितियों में हो किंतु शुक्र आकस्मिक धन लाभ का आधिपत्य प्राप्त करके चलने वाले ग्रह हैं और वहीं पर देव गुरु बृहस्पति के रिफ्लेक्शंस भी यहां स्थिरवादी आधार को दर्शाते हैं और व्यय को नियंत्रण किए हुए हैं। इसी वजह से पंचम के आधार पर चर्चा करूं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या लंबे समय पहले कोई निवेश किया था जिसको आप भूल चुके हैं उसको पुनः स्मृतियों में लाइए, रोटेशन की अप्रोच की ओर चलना यहां एक बेटर लेवल का इंडिकेशन आपके लिए बना हुआ है। ऐसी स्थितियों की ओर ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरीके के मेटल में निवेश करना चाहते हैं आप लॉन्गर टर्म के अप्रोच में, तो यहां पर भी ये महीना सार्थकता के आधार को निर्मित करने वाला होगा। संतान पक्ष के साथ जुड़ाव में थोड़ी सी कमी आ सकती है,
तो वहीं पर रिलेशन की वजह से डिस्ट्रैक्शन आपकी एजुकेशन की लाइफ में निकल कर आने वाले नहीं हो, ये भी एक प्रमुख निवेदन यहाँ मैं आपसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं जो भी महिलाएं फैमिली वीक की ओर हैं, 14 अप्रैल तक ट्रेवल को अवॉइड करें। उसके बाद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कुछ समय के लिए फिर से कंटिन्यूएशन के अंदर लेकर आना चाहते हैं, उस और भी बढ़ने का कार्य आप कर सकते हैं। वहीं सिक्स हाउस, यहां आप देखिएगा कि सूर्य देव का जो प्रभाव 14 अप्रैल के बाद से आएगा, तो अस्थि जनित विकारों में लंबे समय से जो दिक्कत चल रही थी और आप किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा की ओर जाना चाहते हैं, जिससे एक घबराहट के साथ में चल रहे थे, यहां उत्साह का संचार होता है कि मुझे अपने स्वास्थ्य लाभ में यहां पर बेहतरी के लिए इस डिसीजन को लेने की रिक्वायरमेंट है। जैसे रिफ्लेक्शंस की ओर आप जाइएगा, ये स्थिति यहां स्थिरगामी आधार के साथ में है। रक्त संबंधी विकारों से यहां आप सावधान रहें, ये भी एक प्रमुख तौर पर बना हुआ निवेदन है। तो वहीं आप ये भी गौर करें कि जो षष्ठेश है यानी मंगल है, वो 14 अप्रैल के बाद से यहाँ अष्टम भाव में रहेंगे, द्वादशेश जो है ये 10 अप्रैल के बाद से षष्ठ भाव में रहेंगे, और साथ ही साथ में जो अष्टमेश स्वयं है ये 16 अप्रैल के बाद से यहाँ सिक्स हाउस में रहेंगे। एक तरह से विपरीत राजयोग की स्थितियां बनती है। आपके साथ में कोई भी व्यक्ति लंबे समय से शत्रुवत स्थितियों का निर्माण कर रहा था, आप देखिए कि कलीग है जो बारंबार आपके प्रमोशन को रोक रहा है, आपके बारे में शिकायतें कर रहा है, जब वो व्यक्ति एक्सपोज होता है तो मालूम चलता है कि आप कितनी जेन्युइनिटी के साथ में चल रहे हैं। एक व्यापार के अंदर आपने अपनी नैतिकता का निर्वहन किया है, वर्षों से सैद्धांतिक आधार के ऊपर चले हैं, एक व्यक्ति आपको झुकाने की ओर लगा हुआ है, वहीं आप अपने मन की तीव्रता के साथ में चलते हैं और आखिरकार आपके कर्म का प्रभाव एक सकारात्मक ऊर्जा को सम्मुख रखने वाला होता है, और यही दृष्टिकोण प्रमुखता के साथ में विजय के सारे हिस्सों को निर्मित करता चला जाएगा। और वहीं मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि विदेश संबंधी जो भी आधार हैं, प्रश्न ये उठता है कि मैं सिक्स हाउस के साथ में विदेश संबंधी स्थितियों की चर्चा कैसे कर रहा हूं, इसका जवाब यह है कि षष्ठ अष्टम और द्वादश की प्रवृत्तियां और देव गुरु बृहस्पति का यहां अष्टम और द्वादश के साथ में दृष्टि संबंध, पूर्णकालिक तौर पर जो भी आपके लिए विदेश संबंधी आधार है उसमें सकारात्मक स्थितियों को जन्म देने वाला एक नियामक मात्र है, और साथ में ही वीजा संबंधी कोई इशू है, साथ ही साथ में आप अपनी जॉब में वहीं पर चेंजेस करना चाहते हैं, ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों में स्थिरवादी होकर आप चलने का कार्य कर सकते हैं। वही सप्तम भाव के साथ में राहु, तो इसी वजह से शुरुआती 14 दिनों के लिए जब अंगारक बनेगा, आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि हम कई बार एक सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस के साथ में होते हैं। गृहस्थ ने कुछ कहा, हम लंबे समय तक उसको मन में लेकर चल रहे हैं और जब भी मौका आता है वो पूरी ही फ्रस्ट्रेशन निकाल कर सामने रखते हैं, पुरानी से पुरानी बातें निकल कर सामने आता और उसके बाद में गृहस्थ को डिस्टर्ब करना, ऐसी प्रवृत्तियों से यहाँ पर आप बचें। अंतर चेतनाओं के अंदर जो भी नकारात्मकता है उससे दूर रहने का प्रयास करना गृहस्थ में संबल का एक माध्यम मात्र है। तो वहीं व्यापारिक साझेदारी में 14 अप्रैल के बाद से महत्वपूर्ण निर्णय की ओर जाने में आपके लिए लंबी दूरी के साथ में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ये ध्यान रखिएगा कि आप मेडिकल फील्ड के साथ में है तो 1 से 14 अप्रैल तक का समय, फार्मास्यूटिकल में भी यही समय, तो वहीं अनुशासन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं वहां पर भी रिफ्लेक्शंस में एक पॉजिटिव बेस आपके लिए क्रिएट रहने वाला होगा, कहीं पर भी दिक्कत और दुविधा के आधार यहां बने हुए नहीं है। व्यापारिक साझेदारियों में थोड़ा सा ख्याल रखकर आपको चलना चाहिए। वहीं अष्टम भाव, यहां मंगल का प्रभाव 14 अप्रैल के बाद से रहेगा, तो इसी वजह से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रिसर्च संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर आप अपने हस्तक्षेप को प्रमुखता के साथ में एक बेटरमेंट की ओर लेकर जाने वाले होंगे। वहीं पर आईटी फील्ड के अंदर आप यदि अपने लिए बहुत बड़ा चेंज करना चाहते हैं नौकरी से व्यापार की ओर, या फिर व्यापार में कोशिशों के बाद पुनः नौकरी की ओर, ये महीना रोकने की आवश्यकता है, ये महीना स्वयं को संबल देने की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन गिनिए और कहिए कि एक बार प्रयास और, एक बार प्रयास और, इस प्रयास में विश्वास रखिएगा, अंततोगत्वा आप अपने जिस निर्णय के साथ में चल रहे हैं वहीं से सार्थकता निकलकर आती चली जाएगी। विदेश संबंधी आधार में वैसे भी मैंने सकारात्मकता पूरे तरीके से यहाँ आपको बताई है जो कि बनी हुई रहने वाली होगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों की वजह से अज्ञात भय से आप दूर होते चले जाएंगे।
वहीं नवम भाव, यहां आप देखिएगा कि शनिदेव का जो प्रभाव है वो भाग्य के साथ में व्यक्ति को कई बार सिर्फ रोकने नहीं देता। हम भाग्य की स्थितियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बारंबार यही सोचते हैं कैसे बढ़ेंगे, किस हिसाब से बढ़ने वाले होंगे, कहां पहुंचने वाले होंगे, ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से दूर हटकर व्यक्ति ये कहता है कि भाग्य का सहयोग मिले तो ठीक, मेरा कर्म मेरे साथ में है, मेरा अनुभव मेरे साथ में है, क्या था जहां से शुरू किया था, क्या है जहां पहुंचा हूं और क्या मिलेगा जहां पर रहूंगा, वहां पर कर्म का आधार बहुत बड़ा है। याद रखिए, इस बात को अनंत तौर पर स्मृतियों में रखिए कि भाग्य कई बार साथ छोड़ता है किंतु वहीं पर कर्म सामने आकर खड़ा होता है कि मैं हूं साथ में, चलने का प्रयास करो। और शनिदेव उसी कर्म के आधार को आपके जीवन के भीतर रखने वाले होंगे। निराशाओं को दूर हटाइए, आध्यात्मिक चिंतन को जगह दीजिए और चलते चले जाइए। यहीं से रिफ्लेक्शंस के अंदर पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी और वहीं जो हायर एजुकेशन के साथ में आप टेक्निकल बेस को आगे लेकर चलना चाहते हैं वहां पर भी सकारात्मकता की संभावनाएं बनी हुई है। तो वहीं अब यदि मैं दशम भाव की चर्चा करता हूं तो दशमेश यहां नवम पंचम का संयोग बनाते हुए उच्चस्थ हैं, इसी वजह से आपके लिए कई बार जो कामकाज के अंदर रुग्णता आती है, लगने लगता है कि कहां पहुंचेंगे, किस तरह से पहुंचेंगे, सूर्यदेव उस रिफ्लेक्शन को दूर हटाने वाले होते हैं। आपके कर्म का व्यय यहां पर बढ़ेगा, उसी से आपके नाम की ख्याति के साथ के आधार भी बढ़ते चले जाएंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज में 16 अप्रैल के बाद से कोई भी बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं उस ओर बढ़ सकते हैं। वर्किंग एक्सपर्टीज में बढ़ोतरी है, उसी वर्किंग एक्सपर्टीज के रिफ्लेक्शन को लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश भी जरूर करें। आप क्या कर रहे हैं, जब दुनिया को ये मालूम चलता है तो अंततोगत्वा दुनिया आपको स्वीकार करती है, यही आधार इस महीने आपके सामने है। नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता है किंतु फिर भी कुछ न कुछ नया खोजने का प्रयास आप जरूर करें। और वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर हैं, कोई ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से उनको परेशान कर रही है, आप स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के साथ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो वो स्वागत योग्य रहेंगे। मुखर होकर अपनी बात कहिए, समाधान संगत स्थितियां यहां आपके साथ रहने वाली है। वहीं एकादश भाव, प्रमुख तौर पर आप ये देखिएगा कि जो बुध का प्रभाव है भले ही अपने नीचस्थ आधार के साथ शुरुआती पखवाड़े में 16 दिनों के लिए चलने वाला होगा किंतु अपने उच्च राशि स्थान को बुध देखने वाले होंगे, इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों के अंदर वृद्धि होती चली जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि संतान पक्ष को कामकाज में आप जोड़ना चाहते हैं, इस महीने थोड़ा सा स्थिरवादी होकर चलने का प्रयास कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने की ओर नहीं जाएं। द्वादश भाव के साथ में ये प्रमुख प्रवृत्ति है कि 10 अप्रैल के बाद से शुक्र का प्रभाव यहाँ द्वादश भाव के साथ में जुड़ा रहेगा, तो इसी वजह से फाइनेंशियल गेन है, खर्चे भी उसी रफ्तार के साथ आपके लिए रहने वाले हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाने से आपको बचना चाहिए, जो एक तरह से स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ होती है उसके साथ में ही चलने का प्रयास करें। और वहीं पर अनिद्रा जनित रोग सूर्य देव के अपने नीच राशि स्थान को देखने की वजह से कहीं न कहीं निकल कर आ सकते हैं। अस्थि जनित विकारों की शल्य चिकित्सा आदि की स्थितियों की ओर जाना यहाँ, जैसे मैंने सिक्स हाउस के साथ में भी कहा था, हितगामी आधार को निर्मित करता चला जाएगा। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटि शह आभार।